नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। होमगार्ड कॉलोनी में शादी के दौरान बज रहा डीजे सीएसपी ने बंद करवा दिया, तो बगैर डीजे या बैंड बाजे के ही घोड़े पर बैठे दूल्हे के साथ बारात स्टेशन रोड थाने पहुंच गई। बारातियों ने दुल्हन को बुलवाकर थाने पर ही शादी करने की बात पर अड़ गए। वहीं पुलिस ने समझाकर वापस दूल्हे को बारात भेजा। अब इस मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। होमगार्ड कॉलोनी में आदिवासी समाज के सुनील पिता बदिया कटारा की शादी थी। आदिवासी समाज की परंपरा के अनुसार मामेरा कार्यक्रम के बाद प्रोसेशन निकला, मामेरा हुआ और दूल्हा घोड़ी पर बैठा, तभी आए पुलिस आरक्षकों ने डीजे बंद करवा दिया। जानकारी मिलने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूर्व जिला मंत्री आशीष सोनी पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से बात की। वहीं भाजपा नेता सोनी ने बताया कि रात 9:30 बजे ही डीजे ये कहकर बंद करवा दिया गया कि आसपास अधिकारियों के निवास है। बारात में आए लोगों ने आरोप लगाया है कि गरीब को नियम बताकर डीजे बंद करवा दिया, जबकि बाजार और बड़े बड़े मैरिज गार्डन में रात को बैंड बाजे के साथ बारात निकलती है, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। जानकारी मिलने पर एएसपी इंद्रजीत बाकलवार ने हस्तक्षेप किया और रात 11:30 बजे डीजे वापस बुलवाकर कम आवाज में बारात निकालने को कहा, जिसके बाद 12 बजे दूल्हे के साथ बारात वापस होमगार्ड कॉलोनी पहुंची। वहीं इस मामले पर पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सब घर में बसते हैं सर, परिवार वाला आएगा तभी तो। जब मैंने बात की सर के साहब से, मैं एक रियाज के बाद भी इतना मतलब बदतमीजी से बात करना किसी का, बोलो कुशवा जी। मांगू भाई, क्या लगते हैं आप दूल्हे के? इसकी बहन लगती हूँ। क्या हुआ था? क्या नहीं हुआ था सर, हमने मम्मेरा उड़ाया, हमने लड़ा को तैयार नहीं करे थे। इसके बाद में गाड़ी वाले दो सर गाड़ी लेके आए, जिसके बाद में बड़ी गाड़ी आई सर, हमारे को नहीं पता। पुलिस दो गाड़ी आए, हाँ एक गाड़ी पे आए, जिसके बाद में बड़ी गाड़ी लेके आए। कितनी बजे की बात थी? 9:30 बजे। भाई क्या लगते हैं आप दूल्हे के? इसकी मम्मी मम्मी लगती। क्या हुआ था सर? वो तो चालू ही नहीं हो गया था, बाजना से आए थे हम, मेहमान आ रहे थे, मेहमान अभी नोट की थाली मंडी थी सर, चालू ही नहीं हुआ। हम बैन नहीं गया था अभी, मेरे ऑर्डर थे मम्मी। क्या हुआ था, किसने बंद कराया डीजे? वो तो दो सर दो था के आदिवासी समाज की शादी थी ये, 9:30 बजे करीब पुलिस आई और कहती है कि साउंड बंद कर लो। हमारा उन लोगों से कहना था, सिर्फ निवेदन किया मैंने कि साहब क्या समस्या है, बोले कि यहाँ अधिकारियों के बंगले हैं, बड़े बड़े कलेक्टर और एसपी और सब निवास करते हैं, तो वहाँ तक साउंड जा रहा है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरा ये कहना था कि जब ये गरीब आदिवासी जो लोग हैं या इनका जो सामाजिक व्यवस्था है वो रात्रिकालीन है, तो और वैसे भी मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 बजे के बाद लॉकडाउन है, 9 बजे थी, तो मेरा ये कहना था इनसे कि साहब आप बताइए क्या करना है। तो बोला आवाज़ कम कर लो। मैं ठीक है, आप डेसिमल डिसाइड कर दीजिए, आपके हाथ से साउंड फिक्स कर दीजिए। तो माननीय सीएसपी महोदय का कहना था कि नहीं नहीं बजेगा, मतलब नहीं बजेगा। सीएसपी साहब ने बोला, जमन सिंह जी चौहान का कहना नहीं बजेगा मतलब नहीं बजेगा। तो मैंने कहा साहब यहाँ शिवराज सिंह जी का राज है और इसमें ऐसी अराजकता नहीं चलेगी आपकी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।